हेलो गाइस, स्टडी क्योर के ऑनलाइन पोर्टल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता था, हम फिज़िक्स पढ़ रहे थे। हमने फिज़िक्स में कुछ टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे, जैसा कि हम डायोड वगैरह और कुछ सारी चीज़ें, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ये सब कंप्लीट कर लिए थे। अब हम आज ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे। थोड़ा वीडियो में डिले हो गया है, उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलता हूँ। चलिए, तब बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर है क्या? जैसा कि आपको पता है, ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। यह सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बना होता है। मैंने आपको पहले ही वीडियो में थोड़ा बताया था इस इन सब के बारे में, जैसे ट्रांजिस्टर क्या होता है, डायोड क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें कैसे आई हैं। अब देखिए, ट्रांजिस्टर का यूज़ क्या है, ये मार्केट में आया तो हमारी इंडस्ट्री चेंज कैसे हुई, मैंने आपको पहले ब्रीफली आइडिया दिया था। आज मैं आपको 5 मिनट और दे दे रहा हूँ इस पर ब्रीफली आइडिया। जो पहले सर्किट यूज़ होते थे ना, उसमें क्या यूज़ होता था, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब क्या यूज़ होता था, वैक्यूम ट्यूब। जब हम वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करते थे, वैक्यूम ट्यूब यूज़ होने से क्या होता था, हमारे जितने भी कंपोनेंट होते थे, कंपोनेंट यानी कि जैसे आप पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, जैसे मैं इस रूम में पढ़ा रहा हूँ ना, इस रूम की साइज़ बहुत बड़ी है। तो पहले क्या होता था गाइज, जो हमारे कंप्यूटर होते थे ना, उनकी भी साइज़ बहुत बड़ी होती थी। वो पूरे रूम के बराबर कंप्यूटर होते थे वैक्यूम ट्यूब यूज होने से। इससे क्या होता था, वेरी लार्ज साइज, वेरी लार्ज साइज, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते थे, सबकी साइज बहुत लार्ज होती थी। जब आप क्या यूज करते थे, वैक्यूम ट्यूब। ये कब यूज होता था, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में क्या हम यूज किए थे, वैक्यूम ट्यूब। फिर आया क्या, वैक्यूम ट्यूब के बाद आया ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर आने से क्या हुआ, ये क्या है, समझ लो डिजिटल क्रांति आई ट्रांजिस्टर आने से। ये आने से क्या हुआ, हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट छोटे हो गए। जैसे मैं आपसे बोलूँ, पहले आप क्या एक रूम के बराबर कंप्यूटर यूज़ करते थे, बहुत बड़ा सा कंप्यूटर यूज़ करते थे। अगर आपके घर में टीवी भी होती थी तो बहुत बड़ी होती थी। क्यों होती थी, क्योंकि उसमें जो सर्किट यूज़ किया जाता था वो वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था। लेकिन हुआ क्या, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई, उसमें ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया। ट्रांजिस्टर आने से क्या हुआ, जो काम हजारों सैकड़ों वैक्यूम ट्यूब करते थे, वो काम अकेला एक ट्रांजिस्टर कर देता था। कहने का मतलब क्या है, हजारों सैकड़ों वैक्यूम ट्यूब एक ट्रांजिस्टर में रखे जा सकते थे। जैसे मैं बोलूँ कि हजारों हजारों लाखों, मतलब बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब जो वर्क करेंगे, वो वर्क हमारा एक ट्रांजिस्टर अकेला करेगा, ठीक है। तो हुआ क्या, इससे हमारे इक्विपमेंट की साइज़ घट गई। ट्रांजिस्टर आने से क्या हुआ, हमारे इक्विपमेंट की साइज़ घट गई। बहुत ही कम स्पेस में सारी चीज़ें हो गई। जैसे पहले कंप्यूटर की साइज़ जो इतनी बड़ी थी, फिर कंप्यूटर की साइज़ काफ़ी स्मॉल हो गई, छोटी हो गई, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ, और सारे मॉडिफिकेशन होते गए। जैसे पहले आप ट्रांजिस्टर यूज़ करते थे, उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, अब आईसी यूज़ करते हैं। जैसे मैं इस फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे, तो हमारे फ़ोन में क्या लगी है, आईसी लगी है, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब हम क्या करते हैं, लैपटॉप को अपने बैग में लेकर घूमते हैं। ये कारण क्यों हो पाया है, ट्रांजिस्टर और आईसी, ये सारी चीज़ जब मार्केट में आई ना, इन सब का यूज़ ख़त्म हो गया, ठीक है। क्यों, पहले तो ये मतलब इसको यूज़ करेंगे तो साइज़ बड़ी होगी और बहुत सारे इससे नुकसान भी हैं, इसलिए इसका यूज़ नहीं करते। तो चलिए, मैं आपको ये ब्रीफ आइडिया दे रहा था ट्रांजिस्टर हम यूज़ क्यों करते हैं। तो चलिए, अब हम शुरू करते हैं, हमारा मेन टॉपिक है ट्रांजिस्टर। हमको वैक्यूम ट्यूब वगैरह नहीं पढ़ना है। देखो, जनरली जो ट्रांजिस्टर होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट टाइप होता है, इसे बोलते हैं बीजेटी, और सेकेंड टाइप जो होता है उसे बोलते हैं एफईटी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बीजेटी यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसका फुल फॉर्म क्या है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है। ये एफईटी क्या है, ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, ये आपके 12th के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इसमें आपको मॉस्फेट वगैरह पढ़ना रहेगा। मैं आगे वीडियो में एक वीडियो बना के एफईटी का आइडिया दे दूंगा, मतलब जनरल आइडिया ये होता क्या है, लेकिन वैसे ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अगर आप आगे कोई भी इंजीनियरिंग करेंगे या फिर इलेक्ट्रिकल की, आप इलेक्ट्रिकल के बारे में कोर स्टडी करेंगे, तो आप एफईटी के बारे में पढ़ेंगे। आपको यहाँ पे पढ़ना क्या है, बीजेटी। बीजेटी दो टाइप के होते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है एनपीएन,
दूसरा क्या होता है पीएनपी। इन दो ट्रांजिस्टर के बारे में आपको ट्वेल्थ में पढ़ना है, एनपीएन और पीएनपी। ठीक है गाइस, तो चलिए हम एनपीएन देखते हैं और एनपीएन की वर्किंग को समझते हैं। देखो बच्चों, होता क्या है ना, जो आप इलेक्ट्रिकल की जितनी भी चीज़ें पढ़ते हैं, ये थोड़ा देखने में मतलब सुनने में कॉम्प्लिकेटेड होंगे। इसका वर्किंग प्रिंसिपल आपको सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन आप जैसे मेरे पास उस चीज़ें नहीं है, नहीं तो मैं आपको और अच्छे से दिखा सकता था। जैसे अगर आपको ट्रांजिस्टर देखना हो तो आप गूगल पर जाकर ट्रांजिस्टर सर्च करिए और इमेजेस पर क्लिक करिए, तो आपको ट्रांजिस्टर की बहुत सारी इमेजेस देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यह है, जैसे जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको फिजिकली देखने का प्रयास किया करिए, मतलब जैसे कि, तो आप उससे रिलेट कर पाएंगे बहुत अच्छे से। मतलब पढ़ाई से अगर आपको रिलेट करना है ना, तो आप किसी भी चीज़ को देखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। मतलब जनरल लाइफ में इसका यूज़ क्या है, जैसे मैं फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ तो इसके अंदर ट्रांजिस्टर लगा है। ये ट्रांजिस्टर तीन टर्मिनल डिवाइस होती है, जैसे कि ये देखने में ऐसा होता है, इसमें तीन टर्मिनल होते हैं ऐसे। बस अगर एनपीएन रहेगा तो ये एनपीएन। ठीक है, तो चलिए इसकी वर्किंग को देख लेते हैं पहले। देखिए, एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है, जब दो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल आपस में मिल जाएं, क्या हो जाए, जब दो एन टाइप और एक पी टाइप, जिसे एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो ये हो जाएगा एन टाइप, जो बीच में पी टर्मिनल होता है वो पतला होता है। ये एनपीएन हो गया, मतलब कि दो एन टर्मिनल एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को दो एन टाइप से दबा के रखा जाए, मिला के रखा जाए, तो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर बनता है। देखो बच्चा, इसकी वर्किंग समझो, इसकी वर्किंग बहुत ही सिंपल है। जैसे मैंने आपको फॉरवर्ड रिवर्स बायस पढ़ाया था ना, जैसे पीएन जंक्शन काम करता है, ये उससे डिफरेंट नहीं है। ये एक क्या है, देखिए आप इसको अगर पीएन जंक्शन लेके समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये एक पीएन जंक्शन ही तो है, अलग अलग, जैसे ये पी और एन जंक्शन है, ये भी पी और एन जंक्शन है, बस ये अलग अलग है। इन्हीं सबको मिला के एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बना दिए, जिसका नाम क्या दे दिया गया, ट्रांजिस्टर दे दिया गया। अब देखिए ये वर्क कैसे करता है, इसका मैं सिंबल आपको बता देता हूँ, ट्रांजिस्टर का सिंबल क्या होता है, एनपीएन का सिंबल कैसे होता है। देखो यहाँ थोड़ा सा ज़्यादातर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं एरो में, मैं आपको मतलब थोड़ा आइडिया दूंगा जिससे आप एरो में कभी कन्फ्यूज नहीं होंगे, कलेक्टर बेस एमिटर में। देखो जो बीच वाला टर्मिनल होता है ना, वो बेस होता है, ये क्या है, बेस है। हम एनपीएन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर की। ठीक है, ये बीच वाला टर्मिनल बेस हो गया, और ये क्या हो गया, कलेक्टर हो गया, और ये क्या हो गया, इमीटर हो गया। ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया, ये इमीटर हो गया। अब देखिए होगा क्या, हमेशा जो आप कॉन्फ़िगरेशन दिखाएंगे ना, वो बेस और इमीटर के बीच में दिखाएंगे, करंट जो फ्लो होगा बेस और इमीटर के बीच में फ्लो होगा, जब ये एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा, ये एनपीएन। अब देखिए आपको पता है ना, जो करंट होता है वो हमेशा फॉरवर्ड बायस में फ्लो करता है, कैसे, एज ए फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस में यानी कि पी से एन की तरफ करंट फ्लो होगा। तो देखिए ये पी टर्मिनल है, ये एन टर्मिनल है ना, तो करंट मैंने क्या बताया था, पी से एन की तरफ फ्लो होगा ना, तो ये पी है एन है, तो करंट क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, जब ट्रांजिस्टर एनपीएन होगा तो जो एरो होगा ना, वो बेस से इमीटर की तरफ होगा। ठीक है, देखिए बेटा कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलेगा, करंट हमेशा पी से एन की तरफ ही फ्लो होगा। अब देखिए मैं बोलता हूँ, सपोज करिए अगर ये एनपीएन नहीं पीएनपी ट्रांजिस्टर होता, तो ये टर्मिनल पी हो जाता, ये एन हो जाता, फिर ये पी हो जाता। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, करंट कहाँ से फ्लो होगा, पी से एन की तरफ। तो यहाँ पर क्या होगा, करंट ये पी और ये एन है ना, तो यहाँ पर करंट पी से एन की तरफ फ्लो होगा, तो ये एरो ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे यहाँ से जनरली कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर किसमें एरो ऊपर रहता है, किसमें एरो नीचे होता है। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्या क्लियर है, कि करंट हमेशा पी से एन की तरफ फ्लो होगा, तो आप एरो पर ध्यान ना देके करंट पर ध्यान देंगे। जैसे पी से एन है तो ये करंट इधर फ्लो होगा, पी से एन है तो ये करंट इधर फ्लो होगा। तो पहले हम एनपीएन देखते हैं, पीएनपी नहीं देखेंगे, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। अब देखिए ये क्या हो गया, पी हो गया, ये बीच वाला टर्मिनल पी हो है और किनारे किनारे एन है। अब देखिए ये पी से एन के साइड तो करंट फ्लो हो जा रहा है ना, पी से एन के साइड हो जा रहा है, लेकिन ये
एन से पी तो हो नहीं पाएगा कभी भी। तो देखिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम समझते हैं ऐसे, थोड़ा मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको एन से पी की साइड करंट फ्लो करवाना है तो आपको क्या देना पड़ेगा बैटरी में, मतलब बहुत ज़्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा। जैसे पहले यहाँ क्या होगा, ये जुड़ा होगा यहाँ से एक बैटरी से, मैं आपको स्ट्रक्चर देकर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है। देखो जब आपको इसके पीछे का रीजन पता होगा ना कि यहाँ पे हम बैटरी क्यों जोड़ रहे हैं, इसको ग्राउंड क्यों कर रहे हैं, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी बहुत अच्छे से। देखिए ये सब ऐसे सर्किट डायग्राम है, आपको रटना नहीं है। देखो मेन बात होती है कॉन्सेप्ट को कभी रटो ना, कॉन्सेप्ट को कैच करो वो वर्क कैसे कर रहा है। जैसे हमने यहाँ पे डबल बैटरी क्यों जोड़ी है, यहाँ पे सिंगल बैटरी क्यों जोड़ी है, इसके पीछे का कारण क्या है, ये जानो आप। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि पी से एन तो करंट फ्लो हो जा रहा है, लेकिन एन से पी नहीं होगा ना। एन से पी अगर आपको करंट फ्लो करवाना है तो आपको क्या देना पड़ेगा, हाई वोल्टेज देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वोल्टेज। इसलिए आप यहाँ पे हम दो बैटरी जोड़े हैं, ये प्लस टर्मिनल है माइनस टर्मिनल है। तो होगा क्या, यहाँ से क्या होगा, ये एन यहाँ लिखते हैं हम, ये साइड नीचे से जुड़ी होगी, इसे इधर से करंट यहाँ जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है ये। ये करंट क्या है, आई ई है। देखो ये आई ई क्यों है, जो इमीटर में करंट फ्लो होगी वो आई ई हो गई, क्योंकि इमीटर में फ्लो हो रही है। जो करंट कलेक्टर में फ्लो होगी वो क्या हो जाएगी, आई सी हो जाएगी, यहाँ से आई सी जा रही है इस साइड, और जो इधर जाएगी वो क्या हो जाएगी, आई बी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपको सीधा सीधा एक इक्वेशन मिल रहा है। देखो आप इक्वेशन को सीधा सीधा समझो, जैसे यहाँ से करंट आई सी आ रही है, इधर से क्या जा रहा है, आई बी आ जा रही है, ये दोनों मिल के आई ई बना रही है ना, तो क्या हो जाएगा, आई ई इक्व टू आई बी प्लस आई सी। ये मीटर की तरफ दूर जा रहा है, ये आई बी प्लस आई सी का सम है। इस प्रकार से हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर काम करेगा। अब देखिए कभी कभी बोला जाता है एनपीएन ट्रांजिस्टर एज ए स्विच काम करता है। एज ए स्विच काम करने का मतलब क्या है, आप क्या करें, अगर इस सर्किट को बंद कर दें, जैसे यहाँ से ये फॉरवर्ड बायस में है, इस वोल्टेज को कैसे भी रोक दें, तो ये क्या करेगा, एज ए स्विच काम करेगा। ठीक है गाइज, अगर कैसे भी किसी भी तरह से यहाँ पे आप एक स्विच ही लगा दें, लेकिन स्विच आप क्यों लगाएंगे, क्योंकि आपको स्विच की तरह वर्क ही करवाना है ना, तो आप अलग से स्विच क्यों जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, ट्रांजिस्टर को आप एज ए स्विच की तरह भी वर्क ले सकते हैं, अगर यहाँ कैसे भी करके इस करंट को अगर आप रोक दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सर्किट डायग्राम हो गया एनपीएन का ट्रांजिस्टर का। इस साइड के वो हम हाई वोल्टेज से जोड़ रहे हैं, हाई पोटेंशियल के वोल्टेज से। हाई पोटेंशियल से इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि हमको इधर करंट पी से एन के साइड फ्लो करवाना है, और पी से एन के साइड करंट तभी फ्लो होगा जब आप इसको एक्स्ट्रा वोल्टेज देंगे, क्योंकि ये एज ए रिवर्स बायस है ना। फॉरवर्ड बायस में तो करंट फ्लो हो जाता, लेकिन रिवर्स बायस में नहीं होता। ठीक है, इस प्रकार ये एनपीएन ट्रांजिस्टर काम करता है। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, पीएनपी ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, इसकी वर्किंग क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में। आज हम केवल एनपीएन ही कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी वर्किंग है, ये इसको ग्राउंड करते हैं यहाँ से हम, और इसमें दो बैटरी जोड़ते हैं, एक इधर एक इधर। इस बैटरी का पोटेंशियल ज़्यादा होता है, इसका कम होता है। इसका ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि हमको ये रिवर्स बायस में जोड़े हैं, तो रिवर्स बायस में क्या करेगा, ये इसको एक्स्ट्रा वोल्टेज चाहिएगा। ठीक है, इसीलिए क्या किए हैं, इसे एक्स्ट्रा वोल्टेज दिए हैं। इस प्रकार ये वर्क करता है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपको जो चीज़ें ना समझ में आए आप कमेंट भी कर सकते हैं कि हमको ये टॉपिक नहीं समझ आए या फिर ये चीज़ नहीं समझ आए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। ठीक है गाइज, तो चलिए आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे आपको और भी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, जैसे कि कुछ दिन में मैथ केमिस्ट्री सारी चीज़ों का लेक्चर शुरू होगा। ठीक है, वन बाय वन आपसे और लोग धीरे धीरे जुड़ेंगे। ये डायग्राम वगैरह भी आप लोग बनाते रहिएगा और मेहनत से पढ़िए आप लोग। और जल्दी हम टेंथ के लिए भी कुछ करेंगे, मतलब टेंथ की क्लासेस चालू होंगी जल्दी कुछ टाइम में। ठीक है गाइज, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है गाइज, थैंक यू।